घर ना। आज आपको पूजा की थाली बताती हूँ कि होली पे पूजा की थाली किस तरह लगाई जाती है ना। देखिए पहले मैं आप फूल से स्टार्ट करती हूँ, ये फूल ना? और जो गेहूं की बालियाँ आती हैं ये देखिए, ये गेहूं की बाली ना? उसके बाद दिया, अब आप लीजिए रोली, उसके बाद आप लीजिए चावल, उसके बाद आप लीजिए आटा, गुड़, बतासे, ये भगवान के चढ़ाने के लिए मेवा माला जो बनाई जाती है, इसके बाद आए लौंग इलायची, चंदन, हल्दी, साबुत हल्दी भी पूजा में रख देते हैं, ये वैसी पीसी हल्दी है, कच्चा सूत, ये तो होली पे बहुत ही ज़रूरी होता है, कच्चा सूत ना, कलरफुल सूत। अब इसके बाद आप देखिए कंडे की माला, ये होली पे ज़रूर जाती है पूजा के लिए, सुपारी, धूपबत्ती, माचिस, मेवे की माला, माला के साथ नारियल, और ये गुलाल। फिर से मैं बोलती हूँ, रोली, दिया, लौंग, सुपारी, इलायची, गुड़, बतासे, मेवा की माला, चंदन, हल्दी, मूली, सफ़ेद सूत का धागा, कंडे की माला, मेवे की माला, नारियल, और ये गुलाब फूल, गेहूं की बाली, चावल, आटा, मेवा, धूपबत्ती, माचिस की पूजा में थाली यही सब चीज़ों की जाती है। दो नारियल जाते हैं, एक माला के साथ होता है, एक पूजा के साथ होता है। ये देखिए ये बच्चों की माला इस तरह से, और पूजा की सारी सामग्री। होली है रंग बिरंगी, होली है ये। अगर आप लोगों को थाली पसंद आई हो तो कमेंट्री बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैंने थाली पूजा की कैसी बनाई है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर लिख के भेजिएगा कि पूजा की थाली कैसी बनी है ना। धन्यवाद।